हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एके टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से 15 क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कराने वाला हूं, जो कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और खास बात यह है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है। तो हम जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वाष्प अवशोषण संयंत्र की तुलना में वाष्प संपीड़न संयंत्र का सीओपी, यानी कि पूछ रहा है निष्पादन गुणांक अधिक होता है या आशीर्वाद देना होता है या वही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका निष्पादन गुणांक सीओपी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त तरल पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रयुक्त तरल पदार्थ जो है अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाष्प संपीड़न चक्र पर काम करने वाला घरेलू रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित प्रकार के विस्तार उपकरण का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका ट्यूब। इसका क्वेश्चन नंबर 4, वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार या थ्रॉटल वाल्व से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत गीला वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इसमें जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये इसका जो संचालन होता है वो बहुत शांत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रा पसारक कंप्रेसर आमतौर पर रेफ्रिजरेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता होती है बड़े विस्थापन और कम संघनक दबाव के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़े विस्थापन और कम संघनक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गलत कथन को सुधारें, ऑप्शन ए दिया हुआ है। वाष्प अवशोषण साइकिल में चक्र में प्रयुक्त लिथियम ब्रोमाइड गैर अस्थिर है, जो कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। लिथियम ब्रोमाइड संयंत्र 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम नहीं करता, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी। लिथियम ब्रोमाइड संयंत्र में अवांछित जल वाष्प को संघनित करके निकालने के लिए एक विभाजक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो घट जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट है। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा R12, इसको बोलते हैं फ्रियॉन 1-2, जो कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको नमी किसके द्वारा हटाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायस्ट के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन को, इसकी जो रेफ्रिजरेंट होती है इसकी नमी हटाने के लिए डायस्ट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हवा के संवेदनशील शीतलन के दौरान इसकी जो है शुष्क वाल्व तापमान घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कम तापमान और दबाव पर एक रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ये गुप्त गर्मी बोल रहे हैं इसको, बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, गर्मी को ऊष्मा भी कह सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, गुप्त ऊष्मा जो है बढ़ती है, इसलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब आपेक्षिक आर्द्रता होती है तो आर्द्र बल्ब अवनमन शून्य हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अवनमन शून्य होकर के 1.0 डिग्री पर हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंडेंसर तापमान को स्थिर रखते हुए वाष्पीकरणकर्ता तापमान में वृद्धि के साथ एक प्रशीतन चक्र का सीओपी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीओपी में वृद्धि होगी। सीओपी बोलते हैं निष्पादन गुणांक। जब कंडेंसर का तापमान को स्थिर रखते हैं तो उसके जो वाष्पीकरणकर्ता का तापमान में वृद्धि के साथ इसके प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक निष्पादन गुणांक जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान शुष्क बल्ब तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिर रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम इसी तरह के वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग हमारा सहयोग करें। थैंक यू क्लास।